हेलो, वेलकम बैक। कैसे सभी कोडर्स? तो यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं आज लाइनोड, और इसके अंदर हम देखेंगे कैसे अपना अकाउंट हम सेटअप कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो हम लारावल का प्रोजेक्ट यहाँ पे डालेंगे उसी के लिए इसको सेटअप कर रहे हैं। तो मैं एक वीडियो आपको इसके लिए रखूँगा कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पा सकते हैं $100 फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको $100 का क्रेडिट मिलेगा जिससे आप 60 डेज के लिए अलग अलग ड्रॉपलेट यूज़ कर सकते हैं। और यही चीज़ आपको डिजिटल ओशियन में मिलेगी। अगर आपको डिजिटल ओशियन पे ये चीज़ करनी है तो आप उसके लिए भी एक मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सेम सिस्टम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसका नाम लाइनोड है, उसका नाम डिजिटल ओशियन है। बाकी सेम $100 आपको लाइनोड प्रोवाइड करता है, सेम $100 आपको डिजिटल ओशियन प्रोवाइड करता है, वो भी सेम 60 डेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, द टेस्ट कोडर के नाम से @gmail.com। एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट फ्री अकाउंट, और यहाँ पे जैसे ही फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक मेल जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, द टेस्ट कोडर यूजर नेम डाल दे देते हैं, पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे उन्होंने एक मेल आईडी सेंड मेल की सेंड की है, तो मैं इसको जाके यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आगे बिलिंग सेक्शन पे हम चले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं नाम प्रोवाइड कर देता हूँ, एंड कंपनी नेम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ईशा हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड हरियाणा। ठीक है, सिटी हमारी हो जाएगी हिसार, पिन कोड है हमारा 125001, फोन ऑप्शनल है, आईडी ऑप्शनल है, क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ गलती की है क्या हमने? पहले मंथ आएगा, एंड सॉरी, पहले मंथ आएगा और फिर ईयर। ठीक है, योर क्रेडिट कार्ड इनवैलिड, क्या बात है यार। ओके, 07-20-22। ठीक है, एंड प्रमोशनल कोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्टली $100 पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेफर प्रमोशनल लिंक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक टेम्प्रेरी होल्ड $1 आपके अकाउंट से लेंगे, और उसके बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। वेट करना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट देयर, योर अकाउंट इज करंटली बीइंग रिव्यूड। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है अभी रिव्यू के अंदर है, और जैसे ये रिव्यू होगा तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यू आर रिकमेंडेड टू गाइड स्टार्ट, एंड तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अभी हम लाइनोड सर्वर के अंदर चले गए हैं, जो इनका मेन पैनल है वहाँ पर हम आ गए हैं। लाइनोड यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है कि लाइनेक्स और नोड। ठीक है, तो ये सेम आपको लाइनेक्स चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, जैसे कि आप डिजिटल ओशियन के अंदर बनाते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे लाइनोड सर्वर क्रिएट करेंगे, और जो लाइनेक्स सर्वर क्रिएट करेंगे और उसमें हम जो हमारी एप्लीकेशन है लारावल ब्लॉक की, उसको हम ऐड करेंगे। कैसे आपको ऐड करना है वहाँ पर मैं पूरा पूरा सेटअप आपको बता दूंगा। प्लस आपको अगर डिजिटल ओशियन के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हम वीडियो बना लेंगे। वैसे बेसिकली उसकी जो अकाउंट क्रिएट वाली वीडियो है वो मैंने पहले डाली हुई है, शायद इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उस दौरान थोड़े कार्ड में दिक्कत हो गई थी। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें देखनी है जैसे कि डिजिटल ओशियन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कई चीज़ें उसमें बताई हैं। और प्लस आपको ये चाहिए कि आपको डिजिटल ओशियन पे अपना कोई
कोई प्रोजेक्ट है जो लारावल का वो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। उसका सर्वर हमारे पास पहले ही पड़ा है, तो उसके अकाउंट क्रिएशन की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेनली लाइनआउट पे आप ऐसे डायरेक्टली सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास मास्टर कार्ड हो या जो इंटरनेशनल पेमेंट कर सके, उस वो कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसमें इंटरनेशनल पेमेंट एनेबल होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप लाइनोड या वाल्टर या डिजिटल ओशन जैसे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको ये वाले कार्ड होने जरूरी है। नॉर्मल रुपए वाले कार्ड आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप वहाँ अलाउ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से इंटरनेशनल पेमेंट आप उसमें नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास मास्टर या वीज़ा कार्ड होना एटलीस्ट ज़रूरी है, या डिस्कवर कार्ड भी आपके पास हो सकता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिंपल सी थी, जैसे कि हमने एक नॉर्मल डायरेक्टली लाइनोड के ऊपर एक अकाउंट बनाया है, और जैसे ये वेरीफाई हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, जिसपे हम जो पूरा पूरा हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम लाइनक्स सर्वर पे डालेंगे, और पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सेटअप बनाकर उसको हम रखेंगे। ठीक है, कैसे हम उसको डायरेक्टली, जैसे डिजिटल ओशन पर भी लगभग सेम रहता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। और शेयर सर्वर की भी मैं थोड़ा कर रहा हूँ अभी, उसका डोमेन वगैरह परचेज करके उसमें शेयर सर्वर पर भी आपको लारावल ब्लॉग जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया है उसको कैसे अपलोड करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।